तो आइए वेलकम करते हैं अपने सेलिब्रिटी गेस्ट को। मेरे साथ हैं निदा मुमताज, सादिया इमाम एंड नताशा अली, तीन बहुएं। इकट्ठे आ जाए, अस्सलाम वालेकुम। इकट्ठे आ जाए ना, मैं लेट हो गई। बड़े अच्छा कलर पहना है, बहुएं बड़ी प्यारी लग रही हैं। जी है भाई, सुनो आज मैं व्हाइट हूँ तो मैं यहाँ बैठू। हाँ पिंक हूँ मैं यहाँ बैठू, पिंक हूँ तो यहाँ बैठूंगा। आप हमेशा यहीं बैठती, मैं आपका साथ दूंगी। याद है तो लास्ट टाइम दोनों ने एक जैसे पहने थे, बड़े प्यारे। आज आप लोगों ने बहुत अच्छे कपड़े पहने, मेरे को लगता है कि नहीं का ससुराल ससुराल वाली बातें तो लगे तो सही। छोटा छोटा भी तो अच्छे खुश खुश है ना, पर मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये, बहुत अच्छा, हल्का हल्का सा गोटा और मजे का लग रहा है। हाँ ये पहली दफा मैंने इन डिजाइनर के कपड़े पहने, मुझे खुद अच्छा। ये मैं ऑनलाइन देख रही थी कि प्रिंटेड ही शलवार कमीज के ऊपर प्रिंटेड ही दुपट्टा, तो मुझे लगता था ये तस्वीर में अच्छा लग रहा है, नहीं वैसे ही ओवर लगेगा। लेकिन आपको देख के लगा वो लाइट कलर है ना, हर चीज लाइट है। अगर बहुत चटक पटक होता है, ये फैशन चल गया एकदम, प्रिंटेड साड़ियां, प्रिंटेड शलवार कमीज बहुत ज्यादा। कहां क्या करे बंदा, कितना चेंज फैशन करे, अब कुछ वही रिपीट होते हैं, रिपीट होता रहता है। वही पुराने जमाने वाली चीज पे रिपीट हो रही होती है। सो आज भी हम बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू करने वाले हैं, और बहुत सारी ख्वातीन में बड़ी सारी टैलेंट्स होते हैं, बड़ी सलीका शार होती है, लेकिन सारी जिंदगी गुजर जाती है लेकिन उन्हें कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। ये तो एक मुझे बात समझ नहीं आई आज तक कभी जिंदगी में, सच्ची मोहब्बत नहीं मिली भाई। हाँ नहीं होती है, बच्चे भी हो जाते हैं। सच्चा प्यार नहीं मिला, बच्चों का प्यार से सिर्फ और सिर्फ आपकी इज्जत एहतराम से होता है। आप अपने कंपेनियन को, अपने कपल को कितनी इज्जत देते हैं और दिलवाते हैं। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं सादिया, ये डेफिनेशन ना हर औरत की डिफरेंट है। हाँ डिफरेंट, सादिया के लिए अलग होगी, निदा के लिए अलग होगी, निदा मुमताज के लिए और नताशा के लिए अलग होगी, यहाँ बैठी खवातीन उनके लिए अलग, उनके लिए अलग होगी। हम इस डेफिनेशन को ना लॉक नहीं कर सकते कि ये है प्यार का मतलब, हर किसी की जिंदगी में। लेकिन हम इसमें भी नहीं ला सकते ना कि बच्चे 12 हो गए और प्यार नहीं मिला, ये तो है ही नहीं कर सकते ये तो। और अगर ऐसा है तो ये तो बहुत बड़ा जिंदगी का सेक्रीफाइस है। वो बेचारी औरत किसी दिन फंदा लगा के मर जाए एंड पे ना, मैंने ज्यादा प्यार मिला। एक तो वो भी हो गई ना, एक डिवोर्स इसीलिए हुई कि मेरा मियां मुझसे लड़ता ही नहीं था। मैं हाँ हाँ आप देखे ना, वायरल हुई एक बात, तो उसको ये लग रहा होगा कि मेरी परवाह ही नहीं थी, मुझे लड़ता ही नहीं, मेरा मियां मुझसे लड़ता ही नहीं है, नहीं होता था कोई प्रॉब्लम। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल ऐसे ही है, सीरियसली मेरा मियां लड़ता है, मेरे मियां का पता मुझसे क्या गिला है, कुछ तो बोलो क्या, आगे से जवाब क्यों नहीं देती हो, कुछ तो कहीं यार जवाब दो तो मसला, ना दो तो मसला। ये ज्यादा चिड़चिड़ती है, अगर हम लड़ाई कर रहे हो और आदमी कुछ भी बोल रहा हो और हम चुप बैठे रहे, इससे ज्यादा गुस्सा आता है। ये जवाब क्यों नहीं दे रही है, जवाब तो दो। और उसमें सुनने को मिलता, अच्छा अब घुन्नापन दिखा रहे हो ना, अब होगा क्या, एंड पे बोलोगी, मुझे नहीं बोलना, मुझे पता है इस वक्त फजूल बात हो रही है, फायदा नहीं, बाद में बात कर लेंगे। वो बहस आप कर ही नहीं सकते, खासकर मियां के साथ।